हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, आज मैं बहुत सिंपल सी बात करने वाला हूँ यार। जेई की प्रिपरेशन मेरे हिसाब से बहुत आसान है अगर आप कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करो तो। जो भी बच्चे 2 साल या 1 साल की प्रिपरेशन करते हैं, आपको एक प्लानर मिलता है, आपको सारी क्लासेस लाइव अटेंड करनी है, जो भी टीचर होमवर्क दे उस होमवर्क को आप लोग अच्छे से करें, हर 2 या 3 या 4 हफ्ते में टेस्ट होता है, उन टेस्ट से पहले आप रिविजन करें जो भी सिलेबस है और उस टेस्ट को एनालाइज करें, और ऐसे करते करते अगर इस स्टेप को फॉलो करोगे तो आराम से आपकी टॉप 50 में रैंक आ जाती है। सर, टॉप 50 में रैंक आने का वो उसका बता रहा हूँ। नहीं नहीं सर, इतना भी आसान नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि मैंने देखा है कि जब स्टूडेंट 10th के बाद 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना उनके सामने, वो होता है कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाते अपनी प्रिपरेशन को उस फ्लो के साथ। आप बोल रहे हैं ना कि बहुत आसान है, ठीक है। मैंने देखा है कि स्टार्ट जैसी होती है ना प्रिपरेशन, विद इन 1 मंथ उनके बैकलॉग्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके पीछे मेन रीजन पता है क्या है सर? जो स्कूल का पैटर्न है ना, जिस स्ट्रैटेजी को वो फॉलो करते हैं स्कूल में, और यहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का पैटर्न है ना, इसमें एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। अच्छा, तो कंसिस्टेंट रहना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जेई की प्रिपरेशन में जो है ना, वो है पेशेंस सर। स्टूडेंट्स में पेशेंस होता नहीं। और स्कूल में क्या होता था कि सर, अगर किसी स्टूडेंट के बिलो 75% मार्क्स आते थे ना, तो हम ऐसे देखते थे यार ये तो बहुत ही लो परफॉर्मर है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर किसी के 75% मार्क्स आ जाते ना, तो वो टॉपर बन जाता है। तो ये जो गैप है ना, इस गैप को समझने में ही स्टूडेंट्स को लगभग 5 to 6 months निकल जाते हैं। अच्छा, और फिर जब गाड़ी ट्रैक से नीचे उतर जाती है ना, और उनको रीजन भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, और वो इस जद्दोजहद में फंस करके इस कोटा शहर में 11th क्लास में एक स्टूडेंट जो डिजर्व करता है एक बहुत अच्छी रैंक, वो स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है सर। बिल्कुल सर, और इनफैक्ट सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी जब से हम लोग जब क्लास लेते हैं, तो बच्चा जो आ रहा है वो रिड्यूस सिलेबस वाला आ रहा है, कोविड जनरेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा मतलब इनफैक्ट काफ़ी कम सिलेबस वो पढ़ता है। और जितना सिलेबस सर मतलब कोविड के टाइम पे 10th क्लास के अंदर था ना मैथमेटिक्स में, उतना तो पहले चैप्टर में खत्म हो जाता है हमारे यहाँ पे। सो उन सब चीज़ों को कोप अप करने के लिए हमारी कुछ अमेजिंग स्ट्रैटेजीज रहती हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ पे अनअकैडमी सेंटर में जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनकी एग्रीगेट परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया चल रही है। तो वो चीज़ें हैं जो हमारे पास कुछ नुस्खे हैं, तो वो बच्चे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करते हैं सर। बिल्कुल सही बात सर, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ सर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो USP है ना अनअकैडमी की, कि लगभग सर मोर देन 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके बैकलॉग्स नहीं। क्योंकि एक्चुअली में जब उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है तो सर चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। किसी को हेल्थ इश्यूज रहते हैं, किसी को और भी अदर इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। फिर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मेरी क्लासेस मिस हो गई, और अगर सपोज मुझे किसी एजुकेटर के साथ मेरी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही है, तो वॉट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। और मैंने जनरली देखा है कि अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इस तरह के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ सेलेक्टिव ऑडियंस ही ऐसी होती है जिनको अच्छे एजुकेटर्स पढ़ा रहे होते हैं। मतलब सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, और ये गैप देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। बिल्कुल सर, जैसे अनअकैडमी के अंदर हर एक बैच के अंदर टॉप एजुकेटर्स हैं, हर बैच के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर पैडागॉजी फॉलो होती है, जिससे बच्चों को बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन भी मिलता है, एक बहुत अच्छा क्लासरूम एक्सपीरियंस भी मिलता है। वैसे कुछ तो सर यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो चीज़ हम अच्छी कर रहे हैं वो बाहर के बच्चे जो पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, कोई अच्छी चीज़ जैसे एलन मस्क का ये फेमस डायलॉग है, इफ़ यू हैव समथिंग वेरी गुड डोंट हाइड इट, शेयर इट। तो अब सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो इतनी अच्छी चीज़ हम लोगों ने बनाई है उसको हम लोग शेयर कैसे करें। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। एक्चुअल में क्या है कि कई सारे स्टूडेंट्स के सर रेगुलर बेसिस पर मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज आते रहते हैं कि सर मैं लैग कर गया हूँ, अब मुझे हेल्प चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आपकी, लेकिन मैं इस समय आपके इंस्टीट्यूट में नहीं हूँ, अब सर व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप सर? कोई तो कुछ पूछना पड़ेगा सर, कोई तो एक्सपर्ट बताएगा ये इस बात को। बिल्कुल सर, मुझे लगता है MB सर को इनवाइट किया जाए, उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट सब्जेक्ट में कोई नहीं है सर। तो थैंक यू सर लोगों, और बिल्कुल सही कहा सर लोगों ने। दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा फेमस करती हैं हमारे चीज़ को, वो है एक तो अनअकैडमी का हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम, जो सर जैसे सर ने बताया कि यहाँ बैकलॉग क्यों नहीं होता, वो बैकबोन है हमारी हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम। मतलब आपकी क्लास अगर मिस भी हो जाती है तो आप सेम टीचर की क्लास तो कर ही सकते हैं, और अकेडमी में जितने टीचर्स हैं उनमें से किसी की भी क्लास वो कर सकता है। और दूसरा जो हमारे बैकबोन बोले या ये बोले हमारी ताकत,
तो शायद अभी समय कोटा में जग जाहिर है, हर कोई जानता ही है कि बेस्ट एकेडमिक सिस्टम अन एकेडमी का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन हॉस्टल वाले भी ये बात जानते हैं और मुझसे और आपसे बात भी करते हैं। हमारे बहुत सारे टीचर्स के वीडियोस मुझे जो पता लग चलता है कि वो बच्चे दूसरी कोचिंग के देखते हैं। तो आप दोनों का बिल्कुल सही कहना है कि हम आखिरकार जो बच्चे 12th में पहुंच गए हैं उनकी ये दिक्कत है। मैं भी समझता हूं कि यार मैं अगर अनअकैडमी में अभी एडमिशन लेता हूं तो फिर मेरी 12th तो बर्बाद हो चुकी है, 11th तो बर्बाद हो चुकी है। अब 12th पढ़ करके भी वो फायदा नहीं होगा क्योंकि 12th में 11th का भी होगा। तो बिल्कुल सही है, आपने जो बातें कही हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक प्लान बनाया है और वो प्लान है कि बच्चे जो 11th में हैं वो हमें 1 साल दें तो 11+1 111 हम बना के दिखाएंगे। मतलब आपका यही, सिर्फ इसी कारण से, इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए हम एक सेमिनार रख रहे हैं और उस सेमिनार में डिस्क्लोज करेंगे कि कैसे हम, आप अगर 11th आपका बर्बाद हो चुका है, हमें आप 1 साल दें उसको हम 111 में कन्वर्ट करेंगे। उस सेमिनार में आप आए, 5 नवंबर को वो सेमिनार है, उस सेमिनार में आए और उस सेमिनार में आकर के आपको हमने पूरा प्लान किया है, सारी चीजें आपको बताएंगे, आपके सारे प्रश्नों का जवाब होगा, ये भी मेरा प्रॉमिस है। हर चीज वहां पे जो आपके दिमाग में डाउट्स है ना, वो सारे डाउट्स पुट किए जाएंगे और उनके आंसर भी आपको मिलेंगे, ये प्रॉमिस है। सारे मतलब हम अपने बेस्ट एकेडमिक सिस्टम को आपके साथ किस तरीके से मैच कराएं ताकि आपका जो 11th बर्बाद हुआ है वो भी आबाद हो जाए, वो भी बढ़िया हो जाए और 12th भी बहुत बढ़िया हो जाए। तो आप आए, सेमिनार अटेंड करें और इस सेमिनार को जरूर अटेंड करें। अटेंड करने के बाद जितने लोग अटेंड करेंगे उन सबके लिए गिफ्ट है और स्कॉलरशिप भी बहुत दमदार मिलेगी, लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, उसमें जो नाम आएंगे उनको बहुत शानदार स्कॉलरशिप भी हम देंगे। ताकि अगर मान लीजिए आपको लगता है यार फीस देने में भी दिक्कत है, तो इतनी शानदार स्कॉलरशिप है जो आप लकी ड्रॉ के माध्यम से आपको मिलेंगी। तो प्लीज इस सेमिनार को अटेंड करें, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। सर आप लोगों को कुछ कहना है? बिल्कुल सर, बस यही चीज कहने है कि 11+1 111 बनने का मौका आप लोगों को मिल सकता है अगर आप लोग ये सेमिनार अटेंड करते हैं। तो उस सेमिनार के अंदर आप लोगों को पूरा जो स्टडी पैटर्न है, स्टडी प्लान है, वो पूरा समझाया जाएगा, किस तरह से रिलैक्स्ड मैनर में पढ़ के आप टॉप रैंक ला सकते हैं। राहुल सर मैं बता दूं कि भाई टाइमिंग और डेट जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का शेड्यूल ऑलरेडी बिजी रहता है। और जैसा कि आप लोग हमेशा बोला करते थे ना कि सर हमारे लिए कुछ करिए, हमारी कैसे हेल्प की जा सकती है, तो मैं बता दूं कि दिस इज़ वन ऑफ अ ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। इस सेमिनार को अटेंड करिए और डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी। टाइमिंग जरूर नोट कर लीजिएगा, मॉर्निंग में 11 से 1 और 5th ऑफ नवंबर। और वेन्यू भी आपको बता देता हूँ, अन अकेडमी का जो ऑडिटोरियम है रोड नंबर 2 पर, वहाँ पर ये सेमिनार कंडक्ट किया जाएगा। मतलब जो अपनी मेन बिल्डिंग है जहां पर क्लासेस लगती हैं वहीं पर आप आ जाइए। तो मिलते हैं बच्चों सेमिनार में 5 नवंबर को।